तेरे लिए ना ये नया इंटरफेस लेके आया हूँ। वाह अब सरप्राइज लेना या नहीं लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्दा का सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे या होंगे खुश होंगे, तो अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। ये वसीम ना छुप छुप के वीडियो बना रहा था, पकड़ लिया बना ले कुछ नहीं कहता चल। तेरे लिए ना ये नया ईद का सूट लेके आया हूँ। वाह तो बड़ा प्यारा सूट है ना। ओ मेरे भाई तू तो खुश हो गया है। कलर काला है, ये सही नहीं है यार। अच्छा कलर है यार भाई, ये तेरे लिए नहीं, तू तो खुश हो गया है। फिर यार ना मशीन दा है बहुत ज्यादा आटे वाला, मैं तेरे भी खावा एक मिनट यार ना। अमन तू दे कपड़ा। अच्छा ते मैं तेरे समझा दे वहां। अच्छा आपने ईद पे चक्की का नया कपड़ा लाया हूं। वाह वाह वाह। ए मेरे भाई ए कपड़ा होता है मलेशिया दा। अच्छा ते ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਸੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਾ। ਆ ਥਲਵਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਪੜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣ ਉਹ ਬਰੀਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਉੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਟਾ ਹੀ ਆਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਸੀ ਤੇ ਦੇਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਕਣਕਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਸ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੋਝਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। और जो इन हाथ मरी ना आटा उड़ जाता है। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाला वो बोरा सा है तो हम इसको बोझा बोलते हैं। तो ये जब चलती है ना चक्की तो ये फुल फूल जाता है गुब्बारे की तरह। अम्मा जी से ये सिलवाते हैं। अम्मा जी जो हैं वही हमारे घर में ये वाली ड्रेसिंग सी सकती हैं और कोई नहीं सी सकता। अम्मा जो हैं वो इधर बैठी हैं। ये देखें भाई मुनव्वर ना मेरे लिए नए कपड़े खरीद के लिए। अच्छा, कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। अच्छा हमें कपड़े पहन के आना है। हां मैं समझ आ गई है, मशीन ना बहुत जमा है ना। हां कपड़े के नए देख के ही पता चल जाता है ना अम्मा को, क्योंकि अम्मा पहले भी बनाती हैं ये चीजें। हां जी मैं पता चल जाता है। दर्जियां देर तरह आ तो ना को नहीं सी ने। हां जी मैं गान ना दर्जियां मैं जो सी थे आटा पिसाना सी वो आज तो अब इसकी करनी है कटाई और पमाइश करनी है जिस हिसाब से हमने इसको बनाना है। करते हैं फिर इस तरह। याद है आपको किस तरह बनाना है? 20-25 साल हो गए मेरे ख्याल में कि आपको सीखते सीखते। अब तो अम्मा को ना फुल रटा लगा हुआ है कि किस तरह काटना है, किस तरह सीना है, किस तरह उसकी तमाश होनी है। मैंने इवन के देखा भी नहीं है, लापा भी जाके और इसकी कटाई कर दी है। अम्मा मियां थोड़ी जेंदी है हैं, बोझे सीती रख दी है अम्मा। ये नानी चक्की लगी है। हाँ एक बोझ है मारू ने मरने की सिवाय। हाँ मैं आप सीख देंदी रही हूँ, मुझे चक्की ना मुंह बंदा रहा है, आटा पींदा रही है। घरे अम्मा जी आ गया जी, कपड़ा मोजा बना दिया। अम्मा ने मोजा फौरन बना दिया। अम्मा उसे मैंने बना के नहीं निकला। ये देखें जिसकी फुल शेप ऐसे बना है। हाँ जी सही है ये। फिर वहाँ पे ना बांध लेते हैं। तो बोरे को अब जो है मशीन के साथ फिट किया जा रहा है। पहले वाला उतार दिया था तो देखते हैं जी इसको कैसे फिट किया जाता है। पहले एस साइज रो बनेगा एस देखिए। ये बड़ा नहीं है कोई ठीक ऐसे तो थोड़ा ना दोहरा हुआ ऐसे थोड़ी मजबूती हुआ ऐसी। अब इसको फिट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को ये दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। नीचे से बांध दिया है और अब एक साइड इसके ऊपर ऐसे बांध देनी है। हाँ जी तो बोरा जो है हमारा फिक्स हो चुका है। ये देखें जी पहले की तरह जिस तरह पहला लगा हुआ था। भाई तो दुकान बंद करवा दे, इतने बहा देता है काफी टाइम। तो आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज है। हिंदी आ गई है साड़ी। आज हम रोजेदारों की तरह हंसेंगे। हम थक गए। अब सरप्राइज लेना या नहीं लेना?
पता तो होवे कि चीज ओने को लैण तो देना ना पै जावे। नहीं नहीं आपको मिलेगा। ए बंदा तोड़े सामने बैठा है। ए पिछले दिन शहर गया ते साखा अबू मैं जुत्ती लेनी है। मैंने दुकान ते लै गया गिफ्ट लेने के लिए कुछ ना फिर हमें एंटरटेन करना पड़ेगा। चाय बना देंगे वो तो रोज के बाद होनी है ना। ट्विंकल ट्विंकल आती है तुम्हें स्टोरी दा स्लो मूड जिहड़ा है इह हल्ला इस इस तो थल्ले स्लो कोई नहीं होंदा। बिल्लो बन के बेगा बिल्लो चल यार मैं इधर बैठा मैं तेरे ए केरे ढूंढ के हो गए ये तो मैंने लगाए थे चाहुंदी हो जेड़ी जुत्ती ओदा दी मैं वेख मतलब चलो जुत्ती नहीं आ थोड़ी ना चैनल दी ना की आ गई है दोबारा कर दोबारा कर ए भाई ये दो में पोतरा ते मां पोतरा ना हकदार हैं ठीक है ना। ये रात की आई पड़ी है ओनू खुशी कोई नहीं हुई ओनू खुशी नहीं हो रही चित्तर मारन में तेनू। मैं एक प्रैंक देखा था तो उसको ना एक बंदे गरीब सा बंदा होता है मजदूर उसको ना वो आईफोन देते हैं तो उसको खुशी नहीं होती वो चित्तर उतार लेते हैं उसको मारा चित्तर तुझे खुशी नहीं हो रही। ये है मोबाइल और इसमें है मुबशर का चैनल। चैनल निकाल इसमें से इसका चैनल निकाला हुआ है और इसकी जी की लगा रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा नंबर बताओ चलो ऐसे हाँ मैं गलत हो जाएगी। अच्छा ये कहते हैं तीन बार बंदा गलत लगा देना तो चैनल वैसे ही उठ जाता अपने चल तू गलत ही लगा। नहीं नहीं उसने पता नहीं कितनी मेहनत की है। लिखो लिखो 80 ओगे। ये देखो जी ये जो घास है ना काफी दिनों से ना ऐसे ही खड़ा है तो वसीम ने तो काटा नहीं है तो इसकी मैं आज काटा बाटा करने लगा हूँ। ये मशीन चला के देखते हैं अगर मशीन से कटता है तो ठीक है नहीं तो फिर दरांदरी से काटना पड़ेगा। मैं ये मशीन से नहीं कटता बहुत बड़ा है मुझे लगता है ना इसको दरांदरी से काटना पड़ेगा। इसने ये दातरी फिर साथ ही रखी है मैंने साथ भी खा के ले आया था। चार लिया कर तो आप की जरूरत है चार चूर के रोल हम गाय गाय को ना ले गए हैं यहाँ पे गाय को लेके आए मैं यहाँ चार ले तो मैं ना गाय को लेके आ रहा हूँ चल लिया। गाय का जो है ना आई टेस्ट चेंज करते हैं ये हमेशा से यही जो है चारा खा खा के ना बोर हो गई है ये खुल ही नहीं रहा यार। आज ये चार लिया गा आ जा खुश हो ये खुला लग गया खाओ पीओ लग गया इसकी ना आप लोग खुशी चेक करें खुशी की इंतहा हो गई है खिलखिला उठी है ये देखो अरे पुत्र नहीं छोड़ के लाए उसके ना मैं पुत्र को भी छोड़ के लिया था वो खाता है पुत्र उसका ना उसका पुत्र जो है ना वो शैतानियां करता है मगेती है तो गाय जो है वो चर रही है तो मैं भी इसके साथ साथ चर लेता हूँ थोड़ा सा देख लो आराम से ना खड़े हो के मजे से खा रही है। ये लो मेरे उजड़ का फायदा आपे उजे के खावे मैं इसे ले भी इसलिए आया हूँ कि वो खुद खाए
मैं उसको काट के फिर खिला रहा हूँ। आजा वसीम तू भी चर ले इसके साथ। तुसी काफी हो। कुछ आज खिलाओ कुछ कल खिलाना बस फिर बस एक दो दिन में ना खत्म हो जाएगा। वैसे सही है चर चर लेगी। गाय के ना मुंह में गाला फंस गई। अगर टांग नाप 1000 रुपए इनाम देता नाप चा मेरी सोनी है मेरी शीलो। मैं ना तेरी टांग चावनी है अगली। 1000 रुपये का सवाल है थोड़ा जहा भरा मुँह कर जा भरा शाबाश इतने मुँह कर जा ਮੈਂ ਮਮਰੇ ਸਾ ਛੋੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਡੇਢ ਪੜੇਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਅਮਾ ਸੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਬੜੀ ਹੈ ਗਾਸ ਕਾਟਨੇ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇਹ ਗਾਇ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸਕਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਇ ਅਬ ਖਾ ਲੇਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇ ਨਾ ਇਹ ਗਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मशीन के साथ ना इसकी लेवलिंग कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लास्ट पर मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट चैनल वीडियोस आप लोगों तक बार बार पहुंचती रहें। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैनल वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।